हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह, आप सभी लोगों का सर्वज्ञ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हमने अभी तक टाइप 12 का क्वेश्चन को देखा है और आज हम अगले टाइप के क्वेश्चन को, एससीएफ एलसीएम के क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोगों को पता है कि हमारा सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी इंटर लेवल का, जिसमें कि हम चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स को कम्प्लीट कर रहे हैं। तो चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम एससीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। एससीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस में हमने टाइप 12 में देख चुका, टाइप 11 तक देख चुके हैं हम लोग। टाइप 12 आपके सामने है, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन को आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 15, 18, 24 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, आपको क्या करना है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है, लिस्ट नंबर ज्ञात करना है जो कि 15, 18, 24 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, लिस्ट नंबर ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, पूर्णतः विभाजित हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सीधे सीधे एलसीएम निकाल देना। क्या करना है? एलसीएम, जो भी आपका एलसीएम आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं। सबसे पहले मैं डिवीजन मेथड, जो आप जानते होंगे डिवीजन मेथड से आप सॉल्व करते थे, ठीक, क्लियर है, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको हिट एंड रन मेथड बताऊंगा, अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो आप कैसे लगाएंगे। क्लियर, तो हम चलते हैं पहले डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 15, 18, 24 तथा 30। 15, 18, 24 तथा 30, क्लियर। 2 से जाएगा 15, 9, 12, 15, क्लियर है। 2 पर 15 नहीं कटेगा, 15 को वैसे उतारेंगे। 18, 2, 9, 18, 12, 2, 1, 2, 2, 4, 30, 2, 1, 2, 2, 5, 10, 15, 2, 3, 30, फिर 2 जाएगा, 12 कटेगा यहाँ पे। 15 को वैसे का उतार वैसे उतारे नहीं कटेगा, 9 को वैसे के वैसे उतारे नहीं कटेगा, जो नहीं कटता उसे वैसे के वैसे उतारते हैं। एलसीएम आपको निकालते हैं, उम्मीद है कि निकालने आता होगा। वैसे को उतारे 2 6 12 फिर 15, क्लियर। फिर आगे बढ़ेंगे, 6 है यहाँ, 2 से कट रहा है, फिर आगे 15 को वैसे का वैसे, 9 को वैसे का वैसे, 2 3 6 फिर 15, क्लियर। अब आगे फिर से काटेंगे, 2 से बाद कौन सा नंबर आता है, 3 आता है, 3 से हम देख रहे हैं बहुत सारे नंबर काट रहे हैं, 3 5 15 3 3 9 3 1 3 3 5 15, फिर फिर से कट रहा है, फिर 3 से कट रहा है, फिर 3 से ले जाएंगे 3 5, को वैसे का वैसे उतारेंगे, 3 1 3 1 5, फिर 5 से जाएगा, अब 4 से नहीं जाएगा, 5 1 5 1 1 1, क्लियर। अब पूरा खत्म हो चुका, तो आपके पास जो बचा वो आपका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। जो भी आपका एलसीएम होगा वह ही आपका छोटी संख्या होगी जो 15, 18, 24 तथा 30 से उर्दे विभाजित होगी। कितना एलसीएम होगा आपके पास? 1 2 3 2 × 2 × 2, 3 × 2 है और 2 × 3 है, 3 × 3 × 5, यहाँ से गुणा कर लेंगे आप, 2 × 4 × 8, 8 हुआ, 8 × 5 = 40, 40 × 120, 120 × 360, कितना हुआ, 120 × 360, सॉरी 360 ही ऐसा नंबर है जो कि 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा। ये ऐसा छोटा संख्या है जो इन चारों से कटेगा, इससे कोई छोटी संख्या नहीं है जो चारों से कटेगी, क्लियर। इससे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो चारों से कटेगी, ये तो क्लियर है। मान लीजिए इसमें 4 नंबर दिया हुआ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसे डिवीजन मेथड से निकालना क्लियर होगा। लेकिन कभी भी आपके पास जब आएगा एलसीएम निकालने के लिए, तो सबसे पहले जो भी नंबर आपके पास दिए होंगे और जो भी आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, क्लियर, तो आप सबसे पहले देखिएगा, सबसे बड़े नंबर को लीजिएगा और उससे डिवाइड करके देखिएगा कट रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद बारी बारी सबसे डिवाइड करके देखिएगा वो कट रहा है कि नहीं, वो कट जाएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। और एक दूसरा चीज ये हिट एंड ट्रायल हुआ। फिर उसके बाद एक एलसीएम निकालने का तरीका,
एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी आपके पास बड़ा नंबर दिया हुआ है, बड़ा नंबर दिया है उसका आपको क्या करना है, टेबल पढ़ना है। क्लियर, टेबल ठीक। ऑप्शन में जो भी बड़ा नंबर चारों से कटेगा, चारों नंबर से कटेगा, जो बड़े नंबर से चारों कोई भी कटेगा वही उसी अगले को हम दूसरे से चेक करेंगे, जो नहीं कटेगा उसको चेक नहीं करेंगे, हिट एंड डायल मेथड से। और एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका क्या है, जो भी बड़ा नंबर है उसका आपको टेबल पढ़ते जाना, क्या करना है टेबल पढ़ना है ठीक। 30 किसी से कट रहा है, इससे कट रहा है, इन दोनों से नहीं कट रहा है। 30 × 60 इससे कट रहा है, इन दोनों से नहीं कट रहा है। 30 × 90 इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, इससे नहीं कटेगा। 30 × 120 इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा, इससे कटेगा। क्लियर। फिर आगे 30 × 5 150 इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा। 30 × 180 इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा ठीक। ऐसे ही आप धीरे धीरे बढ़ते जाइएगा। 30 × 7 = 210 काट के देखिएगा। 15 × 15 = 60 इससे कटेगा, 18 से नहीं कटेगा। क्लियर। 24 से नहीं कटेगा। ऐसे ही आप टेबल को पढ़ाते जाइएगा। ये तो मान लीजिए थोड़ा लंबा चला गया है, 4 नंबर थे, अगर 3 नंबर की सीरीज होगी तो आपको तुरंत ही आपको मिल जाएगा कि आपका एलसीएम क्या है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या था, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 15, 18, 24 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो छोटी संख्या क्या होगी हमारे पास, 360। वो कैसे निकलेगी, एलसीएम से निकलेगी। किससे, लॉस से, लघुत्तम समापवर्तक जो हमारा आएगा वही ऐसी संख्या होगी जो 15, 18, 24 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा आज का क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम कल देखेंगे अगला टाइप का क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इन सारे वीडियोस को पिछली वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।